हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकिता आज की न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम सब लोग भी बढ़िया हैं। तो गाइस, आज आ रखे हम कैंपिंग करने आ रखे हैं हम खूबसूरत सी जगह पे। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं टेंट के अंदर से। आज ऋषि और ऋषि के पापा की छुट्टी थी तो हम कैंपिंग करने आए हैं। और ये देखो, ये लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं टेंट के अंदर। कैसा लग रहा है आप लोगों बहुत को? अच्छा। हाँ, यूबी को भी बहुत अच्छा लग रहा है ना यूबी? यूबी ये बार बार क्या बोलता रहता है? यूबी खुद को खुद ही बुलाता है। हैप्पी काचू मतलब हैप्पी बर्थडे। यहाँ भी यूबी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इसका गाना जो बहुत मस्त रहता है पर मेरे कान फट जाता है। यूबी डांस करो यूबी डांस। अरे कैसा एक ऐसा गाना जिसका ऑपोजिट मीनिंग जानता है? पतली कमरिया मोरे देख। अरे 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 यूबी गाना गा रहा है। अरे अरे मुझे मत खींचो। अरे मैं नहीं गिरा रहा, यूबी गिरा रहा। तो आज हमें सिर्फ तीन पापा बाहर हैं तो जो मैं जो ओ अभी कर लेते हम गाइस ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले कर लेते हम ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो पहले हम लोग खाना बना लेते हैं। अच्छा, आप ही मदद कर रहे हो मेरी आग जलाने में। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू यूवी, थैंक यू। उठकर क्या करोगे? अच्छा, बाप रे, बहुत मेहनत कर रहा है यूवी। पांव हटाओ वहां से।
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। गाइस यूवी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मम्मा के साथ। ठंडा लग रहा यूवी को? ठंडा लग रहा अच्छा। कोई नहीं आप बैठ जाओ। इसके ऊपर आप बैठ जाओ। ठीक है मैं भी बैठ जाती हूँ। बैठ गई मैं। आप भी बैठ जाओ। आप यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे बैठ जाओ आप। थैंक यू। अच्छा क्या खाओगे आप खाने में? चप्पल। चप्पल कहाँ है आपकी चप्पल? सच में आ गई यूवी। बाबू दुकान वाले ने दिए उसको पानी। पानी है हमारे पास। ठंडा पानी मम्मी है कहीं। वाह क्या लेके आए आप दुकान से? पटाखे। मम्मी हाँ जी। मामा को नहीं दोगे? खोलो। क्या खोलो? टॉफी है। टॉफी खोलो। टॉफी है। नहीं नहीं टॉफी है। टॉफी हम अंदर गए। चलो टाइम नहीं है। चलो पानी में जो है वो पानी है। घर के घर घर तो हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और हम आज घर पे जल्दी आ गए थे क्योंकि वहाँ पे जब हम कैंपिंग कर रहे थे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे लोग। वहाँ पे वन विभाग वाले लोग भी आए थे, कह रहे थे कि आग ना लग जाए कहीं ना। सब लोग परेशान कर रहे थे हमें, इस वजह से हम वहाँ पे खाना भी नहीं खा पाए थे। हमारी कैंपिंग आज की डिस्टर्ब हो गई थी तो खाना भी हम लोगों ने घर ही पे खाया। और गाइस आप लोगों ने तो देखा ही होगा जब हम वहाँ पे कैंपिंग करके आते हैं तो हम अच्छे से आग बुझा के आते हैं और फिर भी लोग क्या रहते हैं। फिर हम आज जल्दी आ गए थे। तो गाइस करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अंकिता मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।